ईश्वर के पास बाकी सब कुछ है, लेकिन जिससे सुख मिले, समाधान मिले, संतोष हो, वो बात नहीं। इतनी सुविधा है, लेकिन दुनिया का दुख कम नहीं हुआ है। अभी अभी कलह बंद हुए ऐसा लगा तो यूक्रेन का शुरू हो गया, यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ तो उधर इसराइल हमास उनका शुरू हो गया। विश्व के पास बाकी सब कुछ है, लेकिन जिससे सुख मिले, समाधान मिले, संतोष हो, वो बात नहीं। और जो बाकी सब कुछ है वो हमको न बिगाड़े, इसके लिए जो डिफेंस चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो बाकी लोगों के पास नहीं है। मनुष्य सुखी हो, संतोष समाधान से जीवन काटे, दुनिया के कलह बंद हो, सर्वत्र शांति फैले, सर्वत्र समाधान रहे, और सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य का सदाचार सद्भाव बना रहे, इस इच्छा से गत 2000 वर्षों में सब प्रकार के प्रयोग दुनिया ने करके देख लिए। जड़वाद के आधार पर भी किए, आस्तिकवाद के आधार पर भी किए, भगवान को मानकर भी किए, भगवान को न मानते हुए भी किए, समाजवादी दृष्टिकोण से भी किए, पूंजीवादी दृष्टिकोण से भी किए, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से भी किए, समूहवादी दृष्टिकोण से भी किए, लेकिन सब आजमाने के बाद फल क्या मिलता है? साधन सुविधा बहुत बढ़ गई, मनुष्य संपन्न हो गया। आज आप अपने घर में बैठकर दुनिया की किसी बात को गूगल बाबा के जरिए जान सकते हैं, किसी बात की जानकारी की कमी नहीं है। अभी तो घर बैठे बाजार भी आप कर सकते हो, यहां से एक क्लिक से अमेरिका में बैठे अपने मित्र से या अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हो, बहुत सुविधा हो गई। पुराने समय में यात्रा करते थे लोग, पैदल जाते थे, बीहड़ वनों में से जाते थे, कुछ लोग पशुओं के द्वारा मारे जाते थे, कुछ लोग डाकुओं के द्वारा भेज जाते थे। जो जाके सही सलामत वापस आता था तो उसका उत्सव होता था गांव में, क्योंकि यात्रा में जाकर वापस आना आसान बात नहीं थी। लेकिन आजकल कुछ नहीं, बस ट्रेन से लेकर तो हेलीकॉप्टर तक सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जहां लोग जन्म जन्म में एकाध बार जाने की इच्छा करते थे, मानस सरोवर है, गंगा सागर है, ऐसे जगह आजकल हर साल जाकर आने वाले लोग हैं। इतनी सुविधा है, लेकिन दुनिया का दुख कम नहीं हुआ है। दुनिया के कलह मिटे नहीं और बढ़ गए। अभी अभी कलह बंद हुए ऐसा लगा तो यूक्रेन का शुरू हो गया, यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ तो उधर इसराइल हमास उनका शुरू हो गया, ऐसे साल भर चलते रहे, झगड़े थमने का नाम नहीं। साधन सुविधा संपत्ति भी बढ़ गई, लेकिन अपराध भी बढ़ गए। छोटे छोटे बच्चे अपने विद्यालय में बंदूक लेके जाते और अपने सहपाठियों को भून देते, मानसिक विकृति बन गई, परिवार टूटने लगे, घटस्फोटों का प्रमाण बढ़ने लगा, ये सब हो रहा है। अपने सुख के लिए जो साधन हमने अपनाए, उन साधनों से भी ये खराबी हो रही है। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।